दरवाजा बंद कैसे हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं बाहर देख लेती हूँ, आप अंदर देख लीजिए जरा। मैं भंडार घर में देखना भूल आई तो आप देख आइए ना। अम्मा, इस दरवाजे के बाहर से कुंडली किसने लगाई थी? अरे छोरे, मैंने ही नौकरों से कहा था कि भंडार घर की बाहर से कुंडी लगा दे। मगर अम्मा, एक बार देख तो लेना चाहिए था ना कि अंदर कोई है कि नहीं। ये तेरी बिंदिया कहाँ गई? अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी क्या? इस समय किसके फोन आ गया? हाँ लाला, मैं बोलू हूँ। राम राम चौधराणी, हुकम फरमाओ, कोई जेवर घर भेज रहे हैं के? अरे तने खुद घर आना है। कल तूने ही तो बताया था ना मुझे। सुरेंद्र भाई जी ने तने 50,000 रुपए लौटाने हैं। पर चौधराणी, इसे तो उन्होंने भिजवा दिए। भिजवा दिए? ऐसे कैसे हो सके? हमारा गणित कभी गलत ना हो सके, जरूर तारीख गिनती गलत है। हाँ मालकण, 9,000 रुपए कम है। प्रावे त्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्यात सदा मंगलम। बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। इसी के साथ पूजा संपन्न हो गई। छोटे साहब, रोशनी बेटा प्रसाद बांट दो। जी पंडित जी। नील के लिए नया वस्त्र। हाँ ये रहे। हाँ बेटा उठा ले। मैं उठा देती हूँ। सना है। मार्किन ने छोटे साहब के लिए एक बहुत सुंदर कुर्ता बनवा रखा है कढ़ाई वाला। मैं वो वाला दिखा देती हूँ। यो वाला फिर कभी पहन लेंगे अगर छोटे साहब को ठीक लगा तो। एक मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो छोटे साहब, जो भी कपड़ा पसंद हो वो पहन ले। क्यों सुरेंद्र भाई साहब? हाँ कल्याणी भाभी, लेकिन वो आप वाला कुर्ता ना वो बहुत अच्छा है, वो नील पे फबेगा भी। वैसे तो जो अभिषेक करता है उसके बनवाए हुए ही कपड़े पहनने चाहिए, पर मतलब तो नए कपड़े पहनने से है तो कोई भी चलेगा। अम्मा, मैं यही कुर्ता पहनूंगा, भले ही सादा है पर रंग तो मेरी पसंद का है ना। आपको यहाँ रहने के लिए घर चाहिए क्या? या
शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रियली? एक दो तीन चार। तुम लोगों की रिहर्सल्स और प्रैक्टिसेस के लिए इससे ज्यादा अच्छी और सेफ जगह नहीं। मैं इतनी बड़ी खुशी पापा जी को दे पाई सिर्फ आपकी वजह से, उसके लिए थैंक यू। You're welcome. आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया या मेरा गिफ्ट देना नहीं पसंद आया? जी, मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती। पर नील से तो लिया था। नील मुझसे अलग नहीं है। मतलबी हो चुके हैं आप, इतने मतलबी कि अपना सपना डांस उस पे थोप रहे हैं। ये जानते हो भी कि हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारे सपने सब अलग है। आपने मतलब से मेरे पीछे है, आप मेरी नहीं अपनी खुशी के लिए मेरे पीछे आए। बहुत खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, बहुत खुश, तब तक जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे। कहा तुमने रोशन, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारा भगवान बनने का, कोई। तो यहां टीचर की बेटी को ढूंढने आया था कि खुशी के लिए आया था? आई मीन कब कैसे रास्ता भटक गया? क्यों तुम्हारी खुशी मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी हो गई? अनाज का ये पोटली उधर रख। विदारम विवाहि च प्रवेशे निर्गमिता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इब किसका इंतजार है, है? तू ना अपने काम से काम रखा कर, दूसरों के कामों में टांग लाने की जरूरत ना है। खाने को दाड़े ना है, पर दामाद के घर बोरे के बोरे अनाज भेजे जा रहे हैं।
समझी, इस लैला को तो तेज मिर्ची ने बुलवाया है। ये लो, एक नया ड्रामा शुरू हो गया। लाला जी, आप यहाँ? क्यों? ना आ सकूं? तरने याद ना हो, पर मन ने तारे को 24 घंटे की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर मारे को 50,000 रुपया हमारा ना मिला तो अपने घर की चाबी मारे हाथ में दे देना, याद है? क्या हुआ भाई जी, अब जबान पे ताड़ा क्यों लग गया? अच्छा चलो, फिर से गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। हैं जी, लाला जी मन्ने माफ कर दो, मारे पास पैसे ना है, मैंने थोड़ी सी मोहलत और दे दो। पर लाला जी, पापा जी ने तो आपको पूरे पैसे दिए होंगे ना? जो देखो, इसमें पूरे 9,000 रुपया कम है। मारा हिसाब था पूरे 50,000 रुपये। वो लाला जी, जब इतने पैसे दे दिए मैंने तो बाकी के भी लौटा दो, बस मैंने थोड़ी सी मोहलत और दे दो। भाई जी, तुम्हारे लिए 9,000 बस होंगे, इसीलिए तो तुम दूसरों के पैसों पे ऐश कर रहे हो, पर मारे लिए 9,000 तो लक्ष्मी जी का प्रसाद है, इसीलिए तो मैं एक एक पैसा गणू हूँ। थारे को मारा पैसा हजम कैसे करने दूंगा? जी लाला, अरे भाई, अब एक शब्द उनका आना तो अपने दोनों पैर अपने हाथों में लेके जाओगे अपने घर, समझ गया? ना ना नील बेटा ना, वो गलती मेरी है, मैंने पैसे उधार लिए थे ना, तो गलती लाला की ना है, बस जान दे। जाऊं भाई जी, मैं जाऊं, पर मारा पीसा लेने के बाद। पर आपको किस बात की तकलीफ है? आपका तो बहुत बड़ी जगह रिश्ते हुआ है। अरे इन लोगों से मांग लो, इन लोग के पास कोई कमी थोड़ी है, पैसे का भंडार है। लाला चुप हो जा तू। बस। लाला। सारे की सारे उठा ले, क्योंकि जब चौधरी पैसे फेंके सहे तो फिर गिने ना सहे, थारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा होगा, ये तो तन्ने दिख ही रहा होगा। धन्यवाद दर्जी, धन्यवाद, मैंने तो बस। राम राम, राम राम। सुरिंदर, तन्ने तो मालूम था ना कि आज मारे पोते की बहुत बड़ी पूजा सा है, सारा की सारा माहौल खराब कर दिया तने। दार्जी, लेकिन बस तने बोलने की जरूरत ना है बीच में। सुरिंदर, सुरिंदर तू चल, तने थारे से कुछ बात करनी है। अरे बेटी की शादी चौधरी खानदान में सिर्फ मारी दया की वजह से हो रही है। थारी इज्जत तो थारी जनानी 13 साल पहले ही ले गई। वो है बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। थारी इज्जत अगर बची होती ना तो इस चिल्लर पैसों के लिए हमारे घर में तमाशा ना होता, इतने पैसे उसके मुंह पे मार देता। आप लोग फिक्र मत कीजिए बंटी, गरीबों को बुला लो। रोशनी बेटा,
ये सारा सामान उन्हें गरीबों में बंटवा दो। पैसे चाहिए थे ना तो मांग लेना चाहिए था। लाखों की पगड़ी अरे समाज में उछाल दी सिर्फ 9,000 रुपए के लिए। अरदार जी, मैं छोरी की ससुराल तक पैसे कैसे ले सकूं? मारे से मदद मांगना तेरे लिए नया तो ना सर। थारी बेटी की शादी चौधरी खानदान में सिर्फ मारी दया की वजह से हो रही सर। अरे थारी इज्जत तो थारी जनानी 13 साल पहले ही ले गई थी। वो है बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। थारी इज्जत अगर बची होती ना तो चिल्लर पैसों के लिए हमारे घर में तमाशा ना होता। इतने पैसे उसके टाइम लगाओगे? बढ़िया ही थी झांसी की रानी बनने तू। अगर तुम्हें ये लग रहा था कि तुम मुझे डराकर अपनी मर्जी मुझ पर थोप सकते हो तो तुम बहुत गलत थे। मैं ना आज के जमाने की लड़की हूं, तो अपने नीच और घटिया आइडियाज ना अपने पास ही रखना। लो माता जी, गीता मुझे देख के थोड़ा तो मुस्कुराओ ना। मैं इतना बड़ा दिखूं उनके? लो जी, मेरे कहने के बावजूद भी ऐसा दुखियारा चारा लेके खड़ी है गीता। मन ने ऐसी शक्ल वाले ना बिल्कुल भी पसंद ना है। मुंह तोड़ दूं क्या? अरे दीदा अपना मुंह, उसमें कोई ना कोई कमी होगी ना, तभी तो ये टेस्ट हुए बाहरी है। मुंह तो मेरा ही टूटना चाहिए ना, गलती मेरी जो है। मगर आज के बाद तेरे या तेरे परिवार तक कोई भी मुसीबत पहुंचे उससे पहले ही मैं उसे दफा कर दूंगा। ना तो तेरे पास उसकी खबर पहुंचेगी और ना ही तू परेशान होगी। अब तो खुश है? जब तक नील रोशनी के साथ है मन में कोई चिंता नहीं। और आज तुम फोन पे रोशनी के बारे में बात करते करते रुक गए थे। क्या रोशनी तुम्हारी परेशानी की वजह है?
क्या तुम रोशनी की वजह से परेशान हो आकर? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? आकर्ष, तुम्हारे हाथ में कांटे हैं और तुम ऐसे बैठे हो। दिखाओ, मैं निकालती हूँ। वैसे ज़ॉम्बी जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो आकर्ष? चल क्या रहा है? में हुआ क्या है? Now I need to know this. क्या चल रहा है रिवा? हाँ? कुछ नहीं चल रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? आकर्ष। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm fine. You're not fine. मैं कितने सालों से तुम्हें जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम कब परेशान होते हो और कब नहीं। तुम मुझसे शेयर तो करके देखो। हम साथ मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आज तुम फोन पे रोशनी के बारे में बात करते करते रुक गए थे। क्या रोशनी तुम्हारी परेशानी की वजह है? क्या तुम रोशनी की वजह से परेशान हो आकर्ष? रोशनी मेरी परेशानी की वजह क्यों होगी? I mean, वो मुझे क्यों बॉदर करने लगेगी? No. रोशनी मुझे परेशान नहीं कर सकती। वो मेरे परेशानी का कारण नहीं हो सकती। रोशनी मुझे क्यों परेशान करेगी? वो रोशनी नहीं हो सकती। उसे रोशनी नहीं होना चाहिए। इसमें 10 फाइल्स हैं और जिसमें माँ का नाम सुनैना है। सुनैना? दार जी ने मेरे तय कितनी खरी खोटी सुनाई और मैं कुछ नहीं कर पाया। दुनिया के सामने तो मेरी इज्जत गई थी। हालात जो थोड़ी बहुत बची थी ना, वो इस बेटी के ससुराल में सुहा होगी। और सच कहूँ तो ऐसी बेटी होता अच्छा है कि मेरा कोई बेटी ना होती।